हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं आपको कैसे प्लांट के बारे में बताऊंगी कि अगर आप इसको एक बार अपने गार्डन में ऐड करती हैं तो ये आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। ये अनगिनत फूल देने वाला प्लांट है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूल आते हैं इसमें फ्रेंड्स, बहुत ही क्यूट। और इसमें फ्रेंड्स, इस प्लांट में जो है तीन कलर के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एक पिंक और पर्पल और वाइट। ये मेरे पास दो कलर के हैं, एक ये पिंक वाला, अभी इसमें फ्लावर आ नहीं रहे हैं, और एक ये जो है पर्पल वाला, और वाइट है नहीं फ्रेंड्स मेरे पास। तो अब बात करें हम इसे कैसे किन किन चीज़ों में हम इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप इसको किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं, और वैसे ये क्यारियों में बॉर्डर के तौर पर लगाया जाता है। एक बॉर्डर के तौर पर इसको क्यारियों में लगाते हैं और इसकी फिर कटिंग करते हैं, फिर इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लगता है फ्रेंड्स। और बात करें अब हम इसकी मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में चल जाता है, बट अगर हमें अच्छे फ्लावर्स लेने हैं तो ये इसको मतलब अच्छी रिच सॉइल बनानी चाहिए, इसकी अच्छी खाद डाल के अच्छी बढ़िया मिट्टी बनानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और ये जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सर्दियों वाला पिटूनिया। तो और ये सर इसी टाइप के फ्लावर्स आते हैं इसमें, जैसे ये हमारे सर्दियों वाले प्लांट्स पे आ रहे हैं, इस पर इसी टाइप के आते हैं। तो ये है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, ये वाला बहुत ही हार्डी प्लांट्स है। और मिट्टी की बात हो गई, और धूप, ये गर्मियों का ही प्लांट है तो इसको धूप तो किसी भी कहीं भी आप रख दें तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली चल जाएगा, बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक प्रकार से मैं कहूँगी ये जंगली प्लांट है, तो कहीं भी रखें आप, वहाँ ये अच्छे से चल जाएगा। और धूप में और पानी इसको आप एक बार डेली इसको पानी चाहिए, आप डेली इसको पानी दें, और जब मई जून की भयंकर गर्मियां हैं तो आप इसमें सुबह शाम पानी दें, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और इसका बात करें अब हम इसके प्रोपिगेशन की, तो इसका प्रोपिगेशन कैसे करते हैं। एक तो इसमें फलियां टाइप की, मतलब इसमें सीड बनते हैं, तो सीड से भी ये इजी प्रोपिगेट हो जाता है। और दूसरा जो है, ये इसके कटिंग से बहुत ही इजी तरीके से, कटिंग से भी ये जो है प्रोपिगेशन, ये कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। तो हम इसकी यहाँ से, जैसे कहीं से यहाँ से हम जैसे इतना हिस्सा यहाँ से कट कर लें, तो ये इसे अगर हम लगा देते हैं तो ये इजी प्रोपिगेट हो जाता है। और वैसे तो इसके सीड्स जहाँ जहाँ भी गिरते हैं, इसमें जो लंबी फली जैसे इसमें सीड्स आते हैं, तो वो जो है आप फलियों को आप काट के, वो फलियों को आप तोड़ के रख लें तो, और आप इकट्ठा कर लें तो, और आप उसके फिर जो उसमें बहुत ही छोटे छोटे सीड होते हैं, तो आप उन सीड को आप मिट्टी में ग्रो कर लें तो बहुत अच्छे से और आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और वैसे तो ये जहाँ जहाँ, जैसे क्यारियों में अगर लगा है तो जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं मिट्टी में, जैसे ही इसके सीड गिरते हैं तो वहीं से ये प्रोपिगेट होना शुरू हो जाता है। उसका एक एग्जांपल में ये मेरे पास है, जैसे कि मेरा ये एलोवेरा का ये प्लांटर है, इसमें ये एलोवेरा लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और क्या हुआ कि इसके साथ ही ये रखा तो इसकी जो सीड जो है इसमें गिरे, तो ये अपने आप ही ये इसमें ग्रो हो गया है। ये कोई मैंने इसमें ये जो है ग्रो नहीं कराई, ये अपने आप से ही इसमें ये ग्रो हो गया है। तो इसका ये प्रोपिगेट करने का, ये भी बहुत प्रोपिगेशन का बहुत ही आसान तरीका है कि जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं तो ये आसानी से प्रोपिगेट हो जाता है। तो और बहुत ही अच्छा, और इसमें गुच्छों में फूल आते हैं, इतने फूल आते हैं, बहुत ही पर्पल कलर और पिंक और वाइट, इतने प्यारे लगते हैं ये जो है। जैसे कि अप्रैल से इसमें फूल शुरू हो जाएंगे तो ये जो है पूरा यहाँ पे ये गुच्छे टाइप के इसमें फूलों से ये भर जाएगा। जब इसमें फ्लावर आएंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी फ्रेंड्स।
तो यही मैं बताना चाह रही थी कि मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ही हार्डी और बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, मेरी ये राय है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं दिखा रही थी, ये मेरा अफ्रीकन डेजी का ये जो है जिसे डाइम और फतीका कहते हैं, इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना ये सीड बनना ये शुरू हो गए हैं, ये देखिए अब मैंने ये छोड़ दिया है तो अब इसमें ये सीड ये बनना शुरू हो गए हैं, तो जब ये ड्राई हो जाएंगे इसके ये सीड्स तो मैं इसे नेक्स्ट सीजन के लिए कलेक्ट करके ये रख लूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरे को याद था वो मैंने बता दिया, और फिर कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।